तुला राशि वालों नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तुला राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और तुला राशि वालों, भगवान खाटू श्याम जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर गुहार लगाते हैं कि हे प्रभु, किसी के घर धन दौलत की बेटी बरसे या ना बरसे, लेकिन दो वक्त की रोटी के लिए कोई न तरसे। प्रभु, हमारी आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि सभी का जीवन खुशहाल रहे। तुला राशि वालों मित्रों, मुबारक हो, बहुत बड़ा बदलाव आपकी कुंडली में होने जा रही है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज दोपहर 1:55 बजे के बाद यानी कि तकरीबन 2 बजे से पूरे 7 लाख रुपये का लाभ होगा आपकी राशि वालों को। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे, ग्रहों की यह बदलती चाल आपकी राशि वाले जातकों को मालामाल कर देंगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा लाभ आपको होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं और हमने पिछले कई वीडियो में बताया भी है, यहाँ पर रातों रात किस्मत बदलती है। इंसान रातों रात खरबपति से अरबपति बनती है और रातों रात अरबपति से खरबपति बनती है। जी हाँ, यानी कि एक प्रकार से यूं कहें तो रंक से राजा और राजा से रंक बनता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, इस दुनिया में जो चीज आपको पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल हुआ है उसे पसंद कर लो। इससे आपको अपने जीवन में खुश रहने में मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर तकरीबन 2 बजे से एक ऐसा योग बनने जा रहा है जो कि दोस्तों आपको बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों पूरे 700 साल बाद इस योग का निर्माण आपकी कुंडली में दोबारा होने जा रही है। जी हाँ, पिछले 700 साल पहले इस योग का निर्माण आपकी राशि वाले जातकों के कुंडली में हुआ था और उस समय इस योग से इस राशि के सभी जातकों को मालामाल कर दिया था। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, वही योग पुनः आपकी कुंडली में बन रही है। तो दोस्तों इस योग से आपको क्या लाभ होगा, कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, आपके व्यापार व्यवसाय, कैरियर, बिजनेस, लव लाइफ, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, आपके दैनिक दिनचर्या में कौन कौन से सुधार होंगे, कौन कौन से परिवर्तन होंगे, किस तरह से आपको अपने जीवन में लाभ होगा, कौन से सुधार करने की जरूरत है, किन चीज़ों पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत है, सारा चीज़ हमने इस वीडियो में बताया है। बस थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने की ज़रूरत है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया तो आज आपको मालामाल होने से दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति रोक नहीं सकता। जी हाँ, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं टाल सकता। सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु महाराज और धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा जरूर से जरूर लगाइएगा। धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में उन्नति करोगे, हमेशा प्रगति करोगे। जी हाँ, तो आप जरूर लगाइएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं तुला राशि वालों। दोस्तों जैसा कि आपने सुना है कि पूरे 700 साल बाद बना आपकी कुंडली में महासंयोग। जी हाँ, जो कि दोस्तों आपकी धन की इनकम बढ़ेगी, नई दिशाओं में लाभ होगा। जी हाँ, गाड़ी वाहन, मोटर कार, पारिवारिक, संतान व सभी प्रकार के सुख प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, इस महासंयोग से रुका हुआ कार्य आज शुरू होगा और आज के दिन शुरू किए गए कार्य में विशेष लाभ होगा। जी हाँ, कोशिश करें कि तकरीबन 2 बजे से
पहले ही शुरू करने की कोशिश करें, क्योंकि दोपहर से पहले का जो समय है आपके लिए इतना उत्तम समय है, इतना फलदायक समय है कि आपकी जिंदगी में चार चांद लगा देगी। जी हाँ, और आपकी जिंदगी को संवार देगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ चापलूस लोगों से आज आपको सावधान रहने की जरूरत है, आज आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सितारे कहते हैं कुछ लोग आज आपके समक्ष आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जिससे उनकी बातों में लगने से आज आपको बचना होगा, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ी गलती है कि आप किसी के भी बातों में तुरंत यकीन कर लेते हैं, तुरंत विश्वास कर लेते हैं, जो कि आगे चलकर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करती है, समस्या उत्पन्न करती है। इसलिए दोस्तों आज आप थोड़ा सावधान रहें, और आज के दिन सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को, यानी कि सरकारी कामों से जुड़े लोगों को बड़ी मात्रा में लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा, कभी आपको लाभ होगा तो कभी आपको नुकसान होगी, यानी कि कभी कभी मायूसी का सामना भी करना पड़ सकता है। जी हाँ, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे समय में आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। जी हाँ, हर संभव आपको मोटिवेट रहना है, ताकि आप हमेशा खुश रहें और आप तरक्की करते रहें। आपको जीवन साथी से अपने मन की बात कहने का मौका मिलेगा। जी हाँ, यदि आप किसी यात्रा पर जाने के लिए कुछ समय तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आपको रुकना ही बेहतर है, नहीं तो आपको कोई पेट से संबंधित समस्या हो सकती है और आगे आपको परेशान कर सकती है। आपकी दिनचर्या में यदि आपने कोई बदलाव किया, तो इससे आपको समस्या होगी। आपकी तरक्की के मार्ग में यदि कुछ बाधाएं आ रही थे, तो उनसे आपको छुटकारा मिलेगा, धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। जी हाँ, बता दें आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। जी हाँ, आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, और दिखावे में रहने के कारण आपको थोड़ी समस्या होगी। जी हाँ दोस्तों, खर्च हमेशा ही अपने बजट के अनुसार करें, और फिजूल खर्ची करने से आज आपको बचना होगा। शेयर मार्केट में धन निवेश करने वाले लोग दिल खोल कर निवेश करें, भविष्य में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, परिवार में यदि कोई कलह, लड़ाई झगड़े की स्थिति चल रही थी, तो वह भी दूर होगी। जी हाँ, रक्त संबंधित रिश्तों में मजबूती आएगी, राजनीति में आपको सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आज आपको समस्या भी हो सकती है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगी, आज का दिन आपके लिए थोड़ा बहुत कष्टदायक रहने वाला है। जी हाँ, वो भी दूसरों की वजह से होगा, इसलिए आपको ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहे तो पूरे 5 करोड़ की संपत्ति आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज दोपहर 3:58 बजे के बाद एक ऐसा योग आपकी कुंडली में बनने जा रही है, जिससे कि दोस्तों आपकी किस्मत को बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, आज का यह जो समय है आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। दोस्तों, जिस चीज़ की आपको तलाश थी, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी, वो चीज़ आज आपको मिलने वाला है, लेकिन खुद को शांत रखना होगा। जी हाँ, किसी भी हालात में अपने दिल की बात को दूसरों के दिल तक उतरने मत देना। देखिए दोस्तों, जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, एक बात हमेशा याद रखना, जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं चलता है, और जो हमेशा तक मिलता है वो आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मशक्कत लगानी पड़ती है। एक तरफ से ये जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। इसलिए अपने आप मन को आवारा नहीं, अपने मन को अपनी गुलाम बनाओ। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को
लाइक करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, गुरुजी आप एकदम सही बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आज का दिन आपके लिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने करीबियों का सहयोग बना रहेगा और आप अपनी अच्छी सोच का कार्य क्षेत्र में लाभ उठाएंगे। परिजनों से आपकी किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है। यदि आपने कामों में जल्दबाजी दिखाई तो वह आपको समस्या दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों, शांति मन से काम कीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थी ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो आज उसके परिणाम आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में धैर्य बनाए रखने के लिए रहेगा। और आप कार्य क्षेत्र में यदि किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतिएगा। बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे आप उस पर हस्ताक्षर ना करें, नहीं तो आज आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। जी हाँ, आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होने से आपको खुशी होगी, आपको एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्ति होगी। जी हाँ, और आपका किसी नई संपत्ति को खरीदने का सपना आज पूरा हो सकता है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, कुछ नवीन विषयों में आज गति आएगी। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो वह आज आपको वापस मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों, लेन देन के मामले में आज आपको थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। खासकर अगर आप किसी को उधार रुपया पैसा धन दौलत दे रहे हैं तो सावधानी पूर्वक दीजिएगा, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही दीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आज आप भावनाओं में किसी से कोई वादा ना करें। जी हाँ, नहीं तो आप उस वादे को पूरे नहीं कर पाएंगे और कुछ लोग आपसे नाराज हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी योग्यता से किसी काम को समय से पहले पूरा कर देंगी और अगर आप समय पर काम करेंगे तो उस काम का जो है रिजल्ट, परिणाम, फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कैरियर को लेकर परेशान चल रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है और यदि आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिले तो आप उसे तुरंत लीक ना करें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो दिक्कत होगा। आज किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिसमें परिजनों का आना जाना लगा रहेगा, प्रतिस्पर्धा का भाव आपके अंदर बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वही दोस्तों, सेहत के मामले में समय थोड़ा सा कमजोर रहेगा, बाहर के खान पान से आप बचकर रहिएगा, ज़्यादातर तला भुना जो है फास्ट फूड खाने से बचिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। जितना हो सके घर का ही बना हुआ शुद्ध भोजन करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए बिजनेस के मामले में थोड़ा बहुत कमजोर रहेगा। जी हाँ, उतना कमजोर नहीं रहेगा लेकिन फिर भी कमजोर रहेगा। व्यक्तिगत मामलों को गति मिलेगी और आप किसी बड़े लक्ष्य को तेजी से पूरा करेंगी। बड़े सदस्यों का सहयोग और सानिध्य मिलने से आप हर मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाएंगी। जीवन साथी के कैरियर में आपको कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है और ना ही डरना है। जी हाँ दोस्तों, समस्याएं तो आएंगे जाएंगी क्योंकि उनका आना जाना लगा रहता है, कभी भी उनसे डरना नहीं है। आपकी तरक्की के मार्ग में आपके कुछ विरोधी विरोध कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनसे आपको सावधान रहना होगा। मित्रों के साथ आप कुछ समय मनोरंजन के कार्यक्रमों में भी समय बिताएंगे। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में जो है पढ़ने से बचने के लिए रहेगा।
जी हाँ दोस्तों, वाद विवाद लड़ाई झगड़े के आसार बन रहे हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। आपके निरंतर किए गए प्रयास आज सफल होंगे। आपको कार्य क्षेत्र में अपनी कुछ योजनाओं को धन लगाने से जो है बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों उसका अच्छा खासा रिटर्न आपको आगे चलकर मिलेगा। और परिवार में यदि किसी सदस्य के विवाह में कोई बाधा आ रही थी तो उसके लिए आज आप परिजनों से बातचीत कर सकती हैं। और देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी वह समस्या दूर होगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपने कामों पर पूरा फोकस बनाए रखें, तभी वह समय पर पूरे कर सकेंगे। जी हाँ, और किसी सरकारी काम में आपके नीति व नियमों पर पूरा ध्यान दें, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, गलतियों से डरना नहीं है, जो इंसान सच्चे दिल से काम करता है गलती उसी से होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप मेहनत से काम कर रहे हैं, सच्चे दिल से काम कर रहे हैं, तो गलतियों से आपको डरना नहीं है। जी हाँ, उन गलतियों से आपको सीख लेकर आगे बढ़ना है। हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिखाई दे रही है कि आज के दिन आपके धन धान्य में वृद्धि लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ भौतिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है, और आपको आज परिवार की किसी सदस्य की ओर से शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, यदि आपने किसी को रुपये पैसे धन वगैरह उधार दिए थे तो वह भी आज आपको मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, माता पिता का आशीर्वाद मिल रही है, और माता पिता के आशीर्वाद से आज आपका रुका हुआ काम समय पर पूरा हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, माता पिता के चरणों में संसार की सारी खुशियां हैं, इसलिए किसी भी शुभ काम करने के लिए घर से जाते वक्त आपको अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके ही निकलना है, इतना ध्यान रखिएगा। जिनके माता पिता नहीं है वो अपने घर में रखी भगवान को प्रणाम करके निकलें, इससे आपके वो काम बनने की पूरी संभावना बन जाती है, संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इतना जरूर ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत आगे आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, और आपकी किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से खास तौर से आज आपको बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, उससे आपको ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखना है, लेन देन नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आगे आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके अंदर त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी, और आप सभी का सम्मान करेंगे, सभी का रिस्पेक्ट करेंगे। आपको किसी मामले में बड़ों की सलाह मिलने से आपको जो है बचना होगा। और कामकाज की तलाश कर रहे लोग अपने किसी मित्र की मदद से जो है आपका उनका काम सफल हो सकता है। आपको किसी दूर रह रहे परिजन से आज आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। बिजनेस में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन फिर भी आप अपने घर में रहकर ही अच्छा खासा लाभ कमा सकती हैं। आपको किसी पुराने गलती से आपको सबक लेना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिन गलतियों से आपको नुकसान हुआ है उन्हें आपको दोबारा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए अच्छा समय रहेगा, आपको कुछ अवरोधों को दूर करना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आर्थिक अवसरों को लेकर आप थोड़ा सा सोच विचार कर सकती हैं, जिसके कारण कुछ बड़े अवसर आपके हाथ से निकल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, समय की लापरवाही करने से बचिएगा। आपको आज घर में सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे जो कि नाकामयाब रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपने रूटीन बनाए रखें, और यदि आप बिजनेस में कुछ कामों को लेकर किसी दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो उनके पूरे होने में समस्या आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज का दिन आपको एक दूसरे के भरोसे नहीं रहना है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों,
इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपके लिए उन्नति दिलाने वाला समय रहेगा। यदि आप बिजनेस में किसी प्रस्ताव को खुद लेकर किसी बाहरी व्यक्ति से मिलेंगे तो वो आपकी बात अवश्य समझेंगे, और नौकरी में कार्यरत लोगों को आज अपनी गलतियों को दोहराने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने अनुभव का पूरा लाभ उठाएंगे और आपके किसी मन की इच्छा आज पूरी होने से आप काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, परिवार में छोटे बच्चे आपसे किसी चीज़ की फरमाइशें कर सकते हैं, आपके प्रभाव व प्रताप में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने कामों पर ध्यान देना होगा, इधर उधर एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने से बचिएगा, नहीं तो आपके समय की बर्बादी होने के अलावा और भी कुछ आपको फायदा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आपके लिए धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप किसी काम में बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे जिसमें बाद में आपको समस्या हो सकती है, इसलिए दोस्तों किसी भी काम में कदम बढ़ाने से पहले आपको दोबारा जरूर सोचना चाहिए। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और व्यवसाय में आप अपनी दीर्घकालीन योजनाओं की फिर से शुरुआत कर सकती हैं, और आपको एक से अधिक स्रोतों से लाभ प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन दोस्तों, आप अपने से ज़्यादा औरों के कामों पर ध्यान लगाएंगे जिससे आपको कुछ कम जो है जो काम है लटक सकती हैं। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहा है कि समय आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। भाग्य आपका 78% साथ दे रही है। आपको अपना जो है ध्यान अपने कामों में लगाना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। किसी ऐसे आदमी से, किसी ऐसे शख्स से मुलाकात होगी जो कि दोस्तों आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी एनर्जी फालतू के कामों में ना लगाएं। घर परिवार में कोई ऐसी बात हो सकती है जिसमें परिवार से खरी खोटी सुनने को मिल सकती है, लेकिन दोस्तों ऐसे सिचुएशन में आपको छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जानी है, नहीं तो दोस्तों अगर आप उसमें लटक गए, अटक गए तो फिर परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। आप जितना हो सके घर परिवार में छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ेंगे तो ही आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। बिजनेस कर रहे किसी पर भी भरोसा ना करें, अन्यथा धोखा मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों बिजनेस एक ऐसा काम है जो कि अपने से ही दुश्मनी हो जाता है। इसलिए दोस्तों आंख मूंद कर भरोसा किसी पर भी नहीं करना है, नहीं तो परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों आज का जो दिन है विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, बेहतर रहने वाला है। अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो उनका वो समस्या दूर हो जाएंगी। और सबसे अच्छी खबर यह है कि रोजगार की तलाश में भटक रहे इधर उधर लोगों को कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने दोस्तों व परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में समय व्यतीत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नौकरी कर रहे लोगों को कोई नई नौकरी का ऑफर आ सकता है, लेकिन दोस्तों आपको अभी पुराने में ही टिके रहना बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मन में नकारात्मक विचारों को ना रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। जितना हो सके पॉजिटिव सोचने का प्रयास करें और हमेशा फ्यूचर की सोचने का प्रयास करें। जी हाँ, जो हो गया उसे बीतने का जो है भुलाने का प्रयास करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन में जो भी होते हैं वो सब ईश्वर के मर्जी से ही होते हैं। ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं और हमारे भलाई के लिए ही करते हैं। जी हाँ, यही सोचकर आपको आगे बढ़ जाना है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए बाकी के दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है।
जी हाँ दोस्तों, आप रुपये पैसे का लेन देन बहुत ही सोच समझ कर करें, नहीं तो आपके लिए परेशानी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज आप किसी से उधार लेने से बचें, नहीं तो समस्या आपकी बढ़ सकती है। और इतना ध्यान रखना है, किसी को भी आज उधार भी नहीं देना है। जी हाँ, परिवार में यदि किसी सदस्य के विवाह में कोई बाधा, कोई अड़चनें आ रही थी तो वह दूर होंगी। इसके उपरांत राजनीतिक में कार्यरत लोग आज किसी बड़े नेता से मिल सकती हैं और किसी बड़े पद की प्राप्ति कर सकती हैं, जो कि पूरा परिवार आपका खुश रहेगा और आप भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न नजर आएंगे। आपको आज किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आज थोड़ा बढ़ सकता है। बिजनेस कर रहे लोगों को अपनी डील बहुत ही सावधानी से फाइनल करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपको किसी व्यक्ति के कहने में आकर गलत बात के लिए हाँ करने से बचना होगा। कोई भी जवाब देने से पहले आपको दोबारा तिबोरा जरूर सोच लेना है, ये आपके लिए ही बेहतर होंगे। इसके उपरांत आप अपने जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आ सकती हैं, जिसमें आप दोनों के बीच चल रही अनबन भी समाप्त होगी और आपको आज अपनी जिम्मेदारियों से घबराना नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करना है। जी हाँ दोस्तों, समस्या कैसी भी हो, उनका समाधान जरूर मिलता है। अगर आप ठंडे दिल से समस्या का समाधान ढूंढेंगे तो आपको समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिनका कोई दवा ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिनका कोई समाधान ना हो। आप ढूंढेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों गीता में साफ शब्दों में लिखा गया है कि जिस समय समस्या जन्म लेती है उसी समय समाधान भी जन्म लेता है, लेकिन इंसान को जरूरत होती है बस सही समय पर सही चीज उपयोग करने की। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आप अपने मन की बातों को किसी से शेयर ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में क्या चल रही है, कौन से कार्य आप करने वाले हैं, एक दूसरे को शेयर करने से बचिएगा, आपके साथ धोखा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पार्टनर के साथ किसी बात पर ना उलझें, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकती हैं, जहां आपकी कुछ रसूखदार लोगों से मुलाकातें होगी और काफी आपको जो है प्रसन्नता महसूस होगी। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर समय आपके लिए मौज मस्ती से भरा रहने वाला है। गृहस्थ जीवन जी रहे लोग अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप किसी मित्र के कहने में आकर किसी बड़े निवेश संबंधित योजना में हाथ न डालें, नहीं तो समस्या हो सकती है। लंबे समय से यदि आपकी कोई अच्छी पुरानी नहीं इच्छा पूरी नहीं हो रही थी तो वो इच्छा भी अब आपकी पूरी होने वाली है। जी हाँ, आप घर परिवार में भजन कीर्तन पूजा आदि का जो भी है आयोजन करा सकती हैं, जिससे आपके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी और आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता दी।